तो साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को बंद करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा खाता बंद हो जाएगा, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म देकर कैसे बहुत आसान तरीके से अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, ये फॉर्म एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को बंद करवा सकते हो। ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म। सीधी सी बात है, आपको ये फॉर्म आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब इस फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, टू बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल बैंक ऑफिस डीपी ऑपरेशंस। यहां पे आपको एड्रेस दिया गया है, कहां का, मुंबई का। यहां पे देखिए, यहां पे अब आपको अपना एड्रेस लिखना है अपने एरिया का, जो भी है इतने एरिया बड़ौदा सन टावर जो भी है, आपको अपना एड्रेस लिखना है सेम टू सेम। और यहां पे डियर सर मैडम, यहां पे सब सेम टू सेम रहने देना है। बस यहां आपसे जो भी अकाउंट नंबर वगैरह जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो आपको यहां पे चेंज कर देना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, सेम टू सेम नहीं करना, वरना आप लोग मिस्टेक कर दोगे। डीपी आईडी आपकी कुछ और होगी, आपको यहां पे क्लाइंट आईडी आपके पास होगी। सीधी सी बात है, यहां पे आपको फिल कर देनी है। नेम ऑफ द फर्स्ट सोल होल्डर आपको अपना नाम लिख देना, जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है। अगर आपका खाता ज्वाइंट है तो यहां पर उसका नाम भी लिख देना है। सीधी सी बात है, एड्रेस ऑफ करस्पोंडेंस, यहां पे आपको आपका एड्रेस लिख देना है, जो भी एड्रेस आपकी पासबुक में पड़ा हुआ है। सिटी लिख देना भाई, कौन सी सिटी से हो आप, स्टेट लिख दीजिए, अपना पिन कोड लिख दीजिए, एरिया का क्या पड़ता है, पिन कोड। रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या रीजन है कि आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहां आपको अपना एक रीजन देना है कि ये रीजन है, मेरे दो अकाउंट हो गए या फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं, किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। तो जो भी रीजन है आपको यहां क्या करना है, मेंशन कर देना है अच्छे से बिल्कुल। बैलेंस रिमेनिंग इन द अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचा हुआ है, बकाया राशि बची हुई है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि सर इतना पैसा है, और प्लीज़ ट्रांसफर कर दीजिए। आपको अगर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं तो यहाँ आपको अकाउंट नंबर लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट नंबर गिवन बिलो, आपको यहाँ पर नंबर लिख देना बहुत, डीपी आईडी लिख देना है, यहाँ पर क्लाइंट आईडी लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से, आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकाउंट का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होगा, अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। आप लोग साथियों गलती मत करना बिल्कुल ही, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट फॉर टू बी फिल्ड बाय डीपी इफ एप्लीकेबल, अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस है बचा हुआ है तो आपको यहाँ पर मेंशन करवा लेना है, सिग्नेचर कर लेने हैं भाई। यहाँ पर आपको अपने सेकंड होल्डर में आपको वही सिग्नेचर ले लेना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अब आएंगे थोड़ा नीचे की ओर, यहाँ नीचे की ओर दिखाया गया है क्या, ब्रांच वेरिफिकेशन। ब्रांच वेरिफिकेशन में आपको सिग्नेचर वेरीफाइड, देयर इज नो होल्डिंग, ये पूरा का पूरा आपके बैंक पर्पज से एम्प्लॉय करेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी फिल नहीं करना है, ये आपको छोड़ देना है। अब देखिए, अब बात कर लेते डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भाई इसमें। डॉक्यूमेंट आपको आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले लेनी है, एक पासबुक की फोटो कॉपी ले लेनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय दे देना है। कहना है सर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आपका खाता बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।